हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन के बारे में। पार्ट वन था वो उस वीडियो का और ये आज पार्ट टू रहेगा, ठीक है। तो पार्ट वन में बेसिकली हमने क्या देखा था? पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि डिसिप्लिन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, वो भी समझा था हमने। मीनिंग नेचर देखा था डिसिप्लिन का, मिसकंडक्ट क्या होता है वो हमने देखा था। तो डिटेल में हमने डिस्कस किया था इन सब चीज़ों को, और साथ ही साथ मैंने आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर में एमसीक्यूज भी दिखाए थे कि किस तरह से आपसे एमसीक्यूज जो हैं, जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ फैक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि आप खेल किसके साथ रहे हो? जो आपका ओपोनेंट है वो है यूपीएससी, ठीक है। तो जब इतना स्ट्रांग ओपोनेंट हो तो आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा ये पार्ट टू रहेगा इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन के ऊपर। पार्ट टू में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इंडिसिप्लिन को वेरियस एरियाज में, वेरियस सेक्टर्स में डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। सिविल सर्विसेज में क्या नॉर्म्स हैं इंडिसिप्लिन को हैंडल करने के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या नॉर्म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या सिस्टम चलता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या हैं डिसिप्लिनरी एक्शंस के, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है, पनिशमेंट के क्या फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। एक कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाया गया था, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि ये कोड क्या है। बहुत ब्रीफली इन सब चीज़ों को हम समराइज करेंगे कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे यूपीएससी पूछता है तो आप उसको आंसर कर सकें। काफ़ी बच्चे सिर्फ 2017 के पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि यूपीएससी ने जो एक बार सवाल पूछ लिए या एक बार जिस पैटर्न पे सवाल पूछ लिए वो उसी पैटर्न पे सवाल पूछेगा। वो पैटर्न भी हमें कवर करना है, लेकिन साथ के साथ हमें एडवर्स सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर भरा है, अराउंड 10 लाख बच्चों ने ईपीएफओ का पेपर भरा है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। क्योंकि अब पेपर अगले साल होना है, क्या पता इसका फॉर्म जो है दोबारा ओपन भी कर दे यूपीएससी, तब और बच्चे भर देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनडिसिप्लिन को हैंडल करने की बात करें तो सिविल सर्विसेज में किस तरह से हैंडल किया जाता है, कहाँ पर प्रोविजंस हैं, तो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग स्पेशली ऑल इंडिया सर्विसेज, जो आपकी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो सर्विसेज होती हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 311 में प्रोविजन्स दिए गए हैं, जो आपका भारत का संविधान है उसमें कुछ प्रोविजन्स दिए गए हैं जिसके जो कुछ लिमिटेशंस इम्पोज करता है पेनल्टी लगाने पर या डिसमिस करने पर ऑल इंडिया सर्विसेज के पर्सन को, ठीक है। तो इसमें कुछ दायरे दिए गए हैं जिन दायरों के हिसाब से ही उनको डिसमिस किया जा सकता है। प्रॉपर उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको जो उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो उसको पहले बताए जाएं, फिर उसको सफिशिएंट जो है टाइम दिया जाए कि वो अपने उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी बात रख सके अपने चार्जेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस जो है सेट किया गया है। वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें, सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनकी हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। अब इसका भी जो सारा प्रोसेस है वो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप बोलते हो कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स एंड अंडर द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हर जगह से बन सकता है कि भैया इनडिसिप्लिन को हैंडल करने के लिए सिविल सर्विसेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा आर्टिकल है, फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा पूछ लेंगे। आर्टिकल 311 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के जो इंप्लॉयज हैं, ठीक है, वहां पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, और उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो लेड डाउन है अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर्स एक्ट के अंडर आती हैं उनके ऊपर भी पूरा प्रोसेस लगेगा अगर आपको इनडिसिप्लिन को हैंडल करना है। तो सिस्टम सेट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मन चाहे जैसे भी कर सकता है। स्टेप्स लिए लिखे गए हैं, रूल्स लिखे गए हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही कार्यवाही की जाएगी। अब जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि किस आधार पर क्या प्रिंसिपल्स, देखो कोई भी चीज़ होती है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब ये नहीं होता कि रूल्स, प्रिंसिपल्स होते हैं कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है काम करना है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए भी आपको कुछ
प्रिंसिपल्स हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए, जैसे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी है, या प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी है। अब ये सारे हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली इनको देखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए नेचुरल जस्टिस के ऊपर या इम्पार्शियलिटी के ऊपर या इम्पर्सनैलिटी के ऊपर, तो आप उसको ईजिली आंसर कर सको। चलो, तो नेचुरल जस्टिस की अगर हम बात करें, तो नेचुरल जस्टिस हमें अगर हम कॉमन लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें, तो नेचुरल जस्टिस वो होता है जहाँ पर इक्विटी है, ऑनेस्टी है और राइटनेसनेस है। मतलब आप जस्टिस करते समय सबको बराबर ट्रीट कर रहे हो, आपके नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब अगर आप ये इमेज देखो, ज़्यादातर लॉ कोर्ट्स में आप देखते हो कि ये जो स्टैच्यू होता है आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ठीक है। मूवीज में इसको इस तरह से दिखाया जाता है कि कानून अंधा है, पर इसका ये जो सिग्निफिकेंस होता है वो अंधा कानून नहीं होता। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि लॉ जो है वो सबको इम्पार्शियली ट्रीट करेगा, ठीक है। लॉ के लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंची जात का कोई छोटी जात का, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इक्वालिटी है, ऑनेस्टी है, ठीक है। ऑनेस्टली आपको ट्रीट करना है, भाई भतीजावाद नहीं करना है। तो नेचुरल जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं जब, तो दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आते हैं लॉ के अंडर जहाँ पर नेचुरल जस्टिस आपका काम करता है। सबसे पहले आ जाता है आपका नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। अगर आप खुद के जज हो, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उस कोर्ट के केस के जज आप हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने खिलाफ फैसला क्यों दोगे, ठीक है। कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप राजा हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र होते तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर लेते, ठीक है, आपकी आप अपने आप को भी सजा दे दोगे। पर मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इज नॉट लाइक दैट। तो आप अपने केस में जज हो अगर, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यहां पर सीधा सवाल पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि व्हाट डज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मींस। जैसे आपके जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वो आता ना हैबियस कॉर्पस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिट जो है वो आ जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, वही चीज है यहाँ पर भी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि लॉ में ऐसी हजारों टर्म्स हैं, कहीं गूगल खोल के बैठ जाओ टर्म्स यूज्ड इन लॉ, तो सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक और टॉपिक स्पेसिफिक करना, कहीं बेवकूफों की तरह वो करने लग जाओ और फिर गालियां मुझे दोगे कि सर ने कहा था टर्म्स पूछी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी ऑडी अल्ट्रम पर्टम, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि नतीजा देने से पहले दूसरी की व्यू भी सुनिए। अभी हमने देखा ना आर्टिकल 311 में क्या लिखा गया है कि अगर किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले आपको उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो एक चार्जशीट में उसको दिखाने होंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसको मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हाँ भैया तेरे खिलाफ ये सब चार्जेस हैं, तू देख ले, अगर इनको तू प्रूफ कर सकता है कि ये गलत है तो कर दे। तो आप मौका दे रहे हो दूसरे को, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको भारत के संविधान में भी देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 14 में देखने को मिलते हैं जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 में देखने को मिलते हैं जो राइट टू लाइफ की बात करता है, और आर्टिकल 311 जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी अगेन इक्वालिटी वाली ही चीज है, ठीक है। अब लेकिन इसमें बेसिक चीज फंडा क्या होता है कि आपको सेम सिचुएशन को सेम एंगल से देखना है, सेम सिचुएशन को सेम एंगल से देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेम सिचुएशन को या डिफरेंट सिचुएशंस को सेम तरीके से देख रहे हो। एक भूखे आदमी ने चोरी की, जो मर रहा था, जिसने 10 दिन से खाना नहीं खाया, उसके लिए और एक ऐसे आदमी के लिए जो सुपर रिच है लेकिन वो चोरी फिर भी कर रहा है, वो फिर भी साइबर क्राइम्स कर रहा है, आप दोनों को सेम, दोनों को कह दो कि भाई दोनों चोर हैं और दोनों को सेम तरह की सजा दे दो। दोनों को सेम सिचुएशन में रख दिया आपने, लेकिन दोनों सेम सिचुएशन में नहीं है, दोनों अलग अलग सिचुएशन में है। तो दोनों को आप एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, लॉ आप एक तरह से नहीं रख सकते। ऐसा एंशियंट टाइम्स में हुआ करता था कि किसी ने अगर ब्रेड चुरा ली तब भी उसके हाथ काट दिए जाते थे, और किसी ने अगर सोना चुरा लिया उसके भी हाथ काट दिए जाते थे। पर क्या ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का नॉर्म है? भूख लगेगी हर कोई चोरी करने जाएगा, तो उस सिचुएशन को दूर करना जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी क्या कहता है कि आइडेंटिकल सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में आप सेम तरीके से ट्रीट करो लोगों को, ठीक है, आप अलग अलग मत ट्रीट करो। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या होता है कि आप किसी का केस सुन रहे हो, आप जज हो उस केस के,
कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो उसमें आपको जो है जज बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया उस कमिटी का। अब जिस वर्कर के अगेंस्ट आप केस सुन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट प्रेजुडाइज्ड हो, ठीक है, आप उसके रिलीजन के अगेंस्ट प्रेजुडाइज्ड हो कि ये फलाने रिलीजन का है मैं तो इसको सजा ही दूंगा, या उसकी कास्ट के अगेंस्ट प्रेजुडाइज्ड हो या उसके अगेंस्ट प्रेजुडाइज्ड हो उसकी किसी बात की वजह से, तो दैट शुड नॉट बी देयर। इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, या उसके आपके साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। आपने फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए जो है काम करना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। कि प्रोसीजर क्या होता है इसको बड़ी जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले कंप्लेंट आएगी और एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंक्वायरी की जाएगी ये देखने के लिए कि जो चार्जेस हैं इन डिसिप्लिन के या मिसकंडक्ट के वो सही भी हैं या नहीं। किसी ने फोन करके बोल दिया कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे इनडिसिप्लिन किया, पब में कल रात को दारू पी के ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था, वो तो रात को काम कर रहा था फैक्ट्री में, ओवरटाइम कर रहा था। तो आप एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लोगे कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, पहले तो वो देखेगी कि किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट हुई है और जो ये ग्राउंड्स हैं वो क्या सब्सटेंशियल हैं, क्या उनमें कुछ सब्सटेंस है। अब अगर कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चलता है कि जो ऑफेंस है, जो इनडिसिप्लिन का या मिसकंडक्ट का ऑफेंस है, वो बहुत ही माइनर मैग्नीट्यूड का, बहुत ही छोटे से नेचर का है, ठीक है, रात को ऑफिस से जाने से पहले लाइटें बंद करना भूल गया, ठीक है, अगले दिन आकर किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो ऐसे में क्या उसके अगेंस्ट पूरा केस थोड़ी चलाया जाएगा, उसको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, ओरल वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया जाएगा या राइटिंग में वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा कि दिस शुड नॉट हैपन अगेन, तो उसके अगेंस्ट पूरी इंक्वायरी थोड़ी चलाओगे। तो अगर छोटे मैग्नीट्यूड का ऑफेंस है दैट इज टू बी इग्नोर्ड। अगर अब ऑफेंस पता चलता है कि हाँ भाई सब्सटेंशियल जो है सब्सटेंस है, जो ऑफेंस कहा गया है ऐसा कुछ हुआ है, तो एक चार्जशीट बनाई जाएगी, ठीक है, चार्जशीट में लिखा जाएगा कि हाँ भाई आपके अगेंस्ट ये चार्ज है कि आपने ये इनडिसिप्लिन किया है या आपने ये मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, और फिर ये चार्जशीट जो है उस इंप्लॉय को दी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली चार्जशीट का काम क्या होता है, ये एक तरह से नोटिस का काम करती है एम्प्लॉय को कि भाई हमें तेरे खिलाफ ये कंप्लेंट्स मिली हैं, ये तेरे अगेंस्ट चार्जेस हैं। उसके बाद एम्प्लॉय को सफिशिएंट जो है टाइम दिया जाएगा कि वो एक एक्सप्लेनेशन रेडी करे और फिर अल्टीमेटली अपनी एक्सप्लेनेशन जो है एम्प्लॉयर को दे कि भाई ये जो आपने मेरे अगेंस्ट चार्जेस दिए हैं ये गलत हैं या ये सही हैं, उस तरह से, ठीक है। तो चार्जशीट का बेसिकली क्या होता है, एक तरह से इसको क्या कह सकते हो आप, ये एक शो कॉज नोटिस होता है, एक नोटिस दे दिया आपने एम्प्लॉय को कि हाँ भैया तेरे खिलाफ ये चार्जेस हैं। अब जब उसने अपनी बात रख दी, अभी भी लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है जो इंक्वायरी कमेटी है, तो उस समय अब इंक्वायरी तो पूरी पेंडिंग है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं निकला, लेकिन एम्प्लॉय ने जो अपनी बातें रखी, एम्प्लॉय को जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी उससे भी कुछ नतीजा निकला नहीं, तो अब इंक्वायरी होगी एक प्रॉपर। अब एक प्रॉपर इंक्वायरी होने से पहले उस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है, उस एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा अगर जो चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट वो ग्रेव या सीरियस नेचर के हैं। अब इसके लिए भी उसको एक सस्पेंशन नोटिस दिया जाएगा। अब यहां पर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भैया इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 क्या कहता है। अब आपने किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया तो उसका घर कैसे चलेगा, क्या उसको सैलरी देनी है या नहीं देनी है, यह कौन बताएगा, ठीक है, तो उसके लिए कौन बता रहा है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, तो उस पीरियड में आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा और ये सब्सिस्टेंस अलाउंस शुड बी मिनिमम वन हाफ ऑफ द वेजेस। वन हाफ ऑफ द वेजेस मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 थी तो उसको वन हाफ 10,000 तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस जब तक उसकी सस्पेंशन चल रही है। एंड दिस शुड बी डन फॉर 90 days, मतलब डेढ़ महीना, तो 90 days के लिए आपको उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। अगर 90 days के बाद भी कंटिन्यू होती है इंक्वायरी अभी खत्म नहीं हुई और इंक्वायरी की वजह से सस्पेंशन पीरियड भी कंटिन्यू होता है, तो 90 days के बाद ये 1/2 to 3/4 हो जाएगा, यानी कि 75%। मतलब अगर 20,000 था तो 20,000 का 75% कितना हो जाएगा, 15,000,
ठीक है, आपको ज्यादा देना पड़ेगा। फिर जितने भी पीरियड के लिए वो सस्पेंडेड है उस रिमेनिंग पीरियड के लिए आपको उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 75% यानी कि 3/4। डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जब हम पढ़ रहे हैं या अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, कि व्हाट इज ग्रेव एज अ चार्ज वुड बी द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि ये जो इनडिसिप्लिन के एक्शंस हैं या मिसकंडक्ट के एक्शंस हैं ये ग्रेव हैं, ये मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है उस इंडस्ट्री की, कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस को ग्रेव बोलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, अब ये न्यूक्लियर इंडस्ट्री इज अ क्रिटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। किसी दिन आप कोई लीकेज, कोई टैप बंद करना छोड़ गए, कोई भी गैस लीकेज का, गैस का टैप था, कुछ भी, क्या पता कोई और नॉर्मल इंडस्ट्री होती प्रोडक्शन वाली तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, पर न्यूक्लियर इंडस्ट्री यू कैन कॉज अ हजार्ड रिस्किंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लाइफ्स, ऑलराइट, तो उस केस में क्या पता ये ग्रेव ऑफेंस हो जाए, समझ रहे हो। तो ग्रेव ऑफेंस मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ा गया है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री की वो किस ऑफेंस को ग्रेव ऑफेंस की कैटेगरी में लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर आता है आपका इंक्वायरी, आप अब उसको एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, अब आप प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो रखेंगे, ठीक है। अब इस इंक्वायरी में क्या लिखा गया है रूल्स के अंदर, कि द इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेफरेबली बी अ रैंक हायर देन दैट ऑफ द चार्ज्ड एम्प्लॉय। अगर आप किसी की भी इंक्वायरी कर रहे हो तो इंक्वायरी करने के लिए आप उस बंदे को अपॉइंट करें जिसकी अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है, वो उससे सीनियर होना चाहिए या फिर कम से कम इक्वल रैंक का होना चाहिए, जूनियर रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इंक्वायरी भी हो गई और सब कुछ पता चल गया, ठीक है, जो इनडिसिप्लिन के चार्जेस थे या मिसकंडक्ट के चार्जेस थे वो भी प्रूफ हो गए, तो फिर पनिशमेंट का ऑर्डर निकलेगा, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट क्या कहता है, पनिशमेंट के रिलेटेड क्या बात बोली गई है, वो ये बोली गई है कि जो कंपनी के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं या जो कंपनी के सर्विस रूल्स होते हैं उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉई के अगेंस्ट कोई मिसकंडक्ट या उसके इनडिसिप्लिन के प्रूफ मिल जाते हैं, ठीक है, तब वो बिना नोटिस के, बिना किसी पे के उसको सस्पेंड किया जा सकता है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। ये लिखा होना चाहिए उस इंडस्ट्री के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में या सर्विस रूल्स में, अगर वो नहीं लिखा तो वो नहीं कर सकते ऐसा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना। फिर आ जाता है अपील। अब अगर जो इंप्लॉई है ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने और जो भी इंक्वायरी कमेटी ने ऑर्डर्स दिए अगर उसको गिल्टी रखा तो उससे खुश नहीं है, तो वो ऑफिसर उस अवार्ड के, उस जो उसको सजा सुनाई गई या जो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई उसके अगेंस्ट वो है जो अब क्या कर सकता है, अपील कर सकता है लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, ठीक है। अब लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगर वो जाएगा तो ये सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी, जो डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी, जो इंडस्ट्री ने इंक्वायरी कंडक्ट की थी, क्या उसने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फुलफिल किया जो भी हमने पीछे देखा, ठीक है। जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स थी वो क्या कंप्लीटली अनबायस्ड थी, क्या जो अफेक्टेड पार्टी है यानी कि जो एम्प्लॉय है जिसके ऊपर चार्जेस थे और जिसके ऊपर एक्शन लिया गया है, क्या उसको सुना गया था, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। अब अगर ये लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही कोई ऑर्डर देते हैं तो वो एम्प्लॉय के पास अल्टीमेट राइट है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। लेकिन अब एक बात और, एक बात यहां पर अब कोर्ट ने बोली जो आपको ध्यान में रखनी है, आदिनाथ सन ऑफ नारायण राव यादव वर्सेस चीफ जनरल मैनेजर के केस में कोर्ट ने यह बोला कि अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में कोई एक मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन एस्टैब्लिश हो गया और वो सीरियस नेचर का है तो आप अपील कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन आप कोर्ट में ये अपील नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई लेकिन जो इन्होंने मेरे को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दी है वो आप मेरी कम करा दो। नहीं, कोर्ट ने कहा हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उसमें मैनेजमेंट का डिसीजन फाइनल है। तो ये भी पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को चैलेंज कर सकता है,
अगर इम्प्लॉय के अगेंस्ट इनडिसिप्लिन का एक्शन ले लिया गया हो या मिसकंडक्ट का एक्शन ले लिया हो, तो क्या वो इम्प्लॉय क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बेस के ऊपर कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता, ठीक है? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बेस में वो नहीं जा सकता कि मेरा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट की, ठीक है? तो जो इस्टेब्लिशमेंट आपकी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के अंडर कवर होती हैं, तो उसमें तो सीधा सीधा लिखा गया है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो भी कंपनी के रूल्स हैं, सर्विस रूल्स हैं, उसमें स्पेसिफाइड होनी चाहिए वेरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है? और जो एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर्स में स्पेसिफाइड हैं, मैनेजमेंट उसके अलावा पनिशमेंट नहीं दे सकता, जो भी उस स्टैंडिंग ऑर्डर में स्पेसिफाइड है, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाती है वार्निंग। अब वार्निंग देखो दो तरह की होती है, एक होती है ओरल, एक होती है रिटन। ओरल वार्निंग जो होती है ना, वार्निंग जो होती है ना, वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है? टोक दिया कि भाई लाइट पंखे बंद कर जाए, अगर सीरियस इंप्लीकेशन नहीं होता इसका। लेकिन जो रिटन में होती है ना, उसके सीरियस इंप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि वो इंप्लॉय के सर्विस रिकॉर्ड में हाईलाइट होती है, वो इंप्लॉय के कंडक्ट और एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करती है। आगे चल के जब उसकी प्रमोशन की बात कंसीडर की जाएगी या वो किसी और कंपनी में अप्लाई करेगा, तो वो हमेशा के लिए उसके रिकॉर्ड्स में आ जाएगा कि ये तो केयरलेस है, समझ रहे हो, या ऐसा कुछ जो भी है। तो अगर आप देखो तो रिटन वार्निंग जो है ये एक तरह से ज्यादा ऑफिशियल होती है, ठीक है? और इसके अंदर इंप्लॉयर जब रिटन वार्निंग दे रहा है तो उसमें वो ये भी स्पेसिफाई कर सकता है कि प्रीवियसली आई हैव आल्सो गिवन हिम ओरल वार्निंग्स, मैंने इसको बोल के भी पहले मना किया है, फिर भी इसने नहीं मानी, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग गिविंग हिम अ रिटन वार्निंग। तो उससे और इंप्लॉय की जो सर्विस रिकॉर्ड है वो खराब हो जाता है, ठीक है? दूसरी चीज, अब जो मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन तो है कि वो पेनल्टी कितनी दे, ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कितनी पेनल्टी दे, लेकिन ये एक जो है इस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि पनिशमेंट शुड बी इक्वल टू द क्राइम डन, वो अनड्यू नहीं होनी चाहिए। लाइट बंद रहेगी तो आप उसकी एक महीने की तनख्वाह काट लो, लाइट चलती रहेगी एक रात को, तो दैट इज अनड्यू। आप उसकी वन डे सैलरी काट लोगे तो वो फिर भी जायज लगता है, ठीक है? चलिए उसके बाद आती है आपकी पेनल्टीज। अब पेनल्टीज में क्या क्या आ सकता है, प्रमोशन भी होल्ड कर लेना कि भाई तेरे को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है? उसका इंक्रीमेंट लगने वाला था, पैसे बढ़ने वाले थे, उसको रोक लेना, समझ रहे हो? उसने अगर कुछ लोन पे करना है तो उसको बोलना कि लोन पे करो, या जो लॉस हुआ उसकी वजह से वो लॉस के पैसे भरो, बिजली चलती रहेगी, एक दिन की सैलरी कटेगी तेरी भैया बिजली का बिल रिकवर करने के लिए, ठीक है? डिमोशन कर देना, लोअर ग्रेड पे भेज देना, डिमोशन कर देना, आप उसका उसको डिमोट कर दोगे अगर कोई सीरियस ऑफेंस किया उसने, तो ये भी एक तरह की पेनल्टी है। उसके बाद आती है आपकी सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होती है, सस्पेंशन को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना, नौकरी से नहीं निकाला सस्पेंशन, डिसमिस नहीं किया। सस्पेंशन और डिसमिस दो अलग अलग चीजें होती हैं। सस्पेंड क्या होता है, टेम्पररीली दूर रखना उसको काम की जगह से, जब तक उसके खिलाफ चार्जेस हैं या इंक्वायरी चल रही है, या सस्पेंशन को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट भी दे दिया जाता है, ठीक है? सस्पेंशन को एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट भी दे दिया जाता है कि आपने ये क्राइम, आपका ये इनडिसिप्लिन था, इसकी वजह से आपको एक महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। अब सस्पेंशन में ये भी मेंशन किया जा सकता है कि आप अपने वर्क प्रीमाइसिस में एंटर नहीं करोगे जब आप सस्पेंशन पीरियड के टाइम पर, विदाउट द परमिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगर आपको वहां पर कुछ काम भी है, आपकी वर्क प्लेस पे आपको कुछ सामान लेने जाना है, तो पहले आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आफ्टर दैट ओनली यू कैन एंटर दैट वर्क प्रीमाइसिस। ऑलराइट, अब ये जो आप सस्पेंडेड हो, तो क्या आपके सस्पेंडेड पीरियड में आपको सैलरी मिलेगी, कि आप एक महीने के लिए सस्पेंडेड हो तो आपको एक महीने की सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगर आपका क्राइम इस्टैब्लिश्ड है, अगर आपका इनडिसिप्लिन इस्टैब्लिश्ड है और एज अ पनिशमेंट आपको सस्पेंशन मिली है, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आप बड़े, कुछ लोग बड़े चलाक बनने की कोशिश करेंगे कि यार मेरे को ना कंपनी 30 पेड लीव्स देती है, 30 पेड लीव्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मेरे को 30 पेड लीव्स मिलती है। पेड लीव्स क्या होती हैं, जिन छुट्टी मारने के भी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, साल में मिलती है हर इंडस्ट्री में। तो 30 पेड लीव्स मेरे को मिलती हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, मैं ना लीव अप्लाई कर देता हूँ, इससे क्या होगा, मेरे को पैसे मिलेंगे। तो ये चलाकी आपकी नहीं चलेगी,
जो आपका सस्पेंशन का पीरियड है उस टाइम पे आप लीव पे नहीं हो, आप सस्पेंडेड हो और आप पेड लीव के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप सस्पेंडेड, अभी हमने पीछे देखा ना कि इंक्वायरी के लिए सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंशन फॉर इंक्वायरी, अब इंक्वायरी की वजह से अगर आपका सस्पेंशन हुआ है तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि पहले 90 डेज के लिए 50% देना पड़ेगा सैलरी का, और अगर 90 डेज के बाद भी इंक्वायरी कंटिन्यूड रहती है तो 75% वो फंडा यहाँ पर रहेगा अभी भी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से बन जाता है कि भैया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहले तो पेपर में ये देख लेना है कि ट्रू है। मैंने पहले भी बताया ट्रू की जगह नॉट ट्रू भी हो सकता था, नॉट करेक्ट भी हो सकता था, फॉल्स भी हो सकता था। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सस्पेंशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ द पर्सन फ्रॉम द सर्विस, परमानेंट, अच्छा। स्टेटमेंट टू, एन एम्प्लॉय सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी शॉल बी पेड सब्सिस्टेंस अलाउंस। थर्ड, सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज नॉट अलाउड टू लीव द स्टेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द नेसेसरी अथॉरिटी, ठीक है, वो बाहर नहीं जा सकता, शहर छोड़ के नहीं जा सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने बताया कि टेम्पररी रिमूवल होता है, तो जहां पर भी वन है वो हट गया, ठीक है। और इसका ना आंसर यहाँ पर ये ऑप्शन गलत बने हुए हैं, इसका आंसर होगा वन एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, पहली स्टेट सॉरी टू एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली इसका सही आंसर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ही और शी, दैट इज जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है, शॉल नॉट लीव द स्टेशन विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया मैं बाहर गाँव जाना चाहता हूँ तो मैं चला जाऊँ, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ करेगी तो वो जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन टू एंड थ्री ओनली, वन गलत है, स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि टेम्पररी रिमूवल होता है, परमानेंट नहीं होता। चलो उसके बाद सस्पेंशन पेंडिंग डोमेस्टिक इंक्वायरी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर उसको ऐसे सस्पेंड किया गया है तो उसको चार्जशीट भी आपको देनी पड़ेगी सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर प्यूनिटिव सस्पेंशन है तो हम पीछे देख ही चुके हैं। चलिए फिर आ जाता है डिसमिसल और डिस्चार्ज। अब डिसमिसल और डिस्चार्ज में भी फर्क होता है। डिसमिसल का अगर हम मीनिंग देखें, डिसमिसल का मतलब होता है टू लेट गो, टू रिलीव फ्रॉम ड्यूटी, डिसमिस करना मतलब नौकरी से निकाल देना, ठीक है, ये एक ग्रेव पनिशमेंट है। पर डिस्चार्ज हमेशा पनिशमेंट नहीं होती। डिस्चार्ज क्या होता है, अगर हम डिस्चार्ज को समझने की कोशिश करें, डिस्चार्ज में प्रॉपरली एक एग्रीड नोटिस के उसके ऊपर दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री करती हैं और फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, उसकी प्रॉपर सैलरी और उसके जितने भी ड्यूज होते हैं सारे क्लियर करके। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टर्म सुनी होगी वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहे। अगर आप डिसमिस्ड हो तो वो आपके सर्विस रिकॉर्ड्स में हाईलाइट होता है, आप कहीं पर दोबारा से जॉब के लिए जाओगे तो वो हाईलाइट होएगा कि हाँ भैया फलाने बंदे को निकाला गया था इस नौकरी से। पर डिस्चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। आप देखते हो जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता होगा आर यू एक्स सर्विसमैन। जो लोग आर्मी से जो लोग होते हैं जो रिटायरमेंट ले लेते हैं या जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स ले लेते हैं तो दे हैव टेकन द डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, ठीक है, उनको डिसमिस नहीं किया गया आर्मी से, ये डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप ये देखो डिस्चार्ज अगर आप हो रहे हो तो वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, आप सेम जगह पर दोबारा भी नौकरी कर सकते हो क्योंकि आपको डिस्चार्ज किया गया। क्या पता कंपनी लॉसेस में चल रही हो तो वो अपनी वर्कफोर्स को कम कर रही हो, इस वजह से वॉलेंट्री रिटायरमेंट दी हो, जब बूम का पीरियड आए वो दोबारा से आपको हायर कर ले, ठीक है, तो रीएम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। लेकिन जब आपको डिसमिस कर दिया गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि यू कैन नॉट सर्व अगेन, ठीक है। और डिसमिसल के केस में एज अ पनिशमेंट एम्प्लॉयर आपके ड्यूज जो हैं, अगर आपकी कोई सैलरी ड्यू है या आपके कोई फंड्स ड्यू हैं उनको भी विदहोल्ड कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि इस बंदे की वजह से हमें ये नुकसान हुआ, इसकी वजह से हम ये सैलरीज नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो। चलो अब बात करते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन की, लास्ट टॉपिक है आज का। अब 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में हुई, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कोड बनाया जो दोनों लेबर और मैनेजमेंट को फॉलो करना था, ताकि देखो अगर इनडिसिप्लिन होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, अगर इनडिसिप्लिन होता है उससे ओवरऑल नुकसान तो इंडस्ट्री को होता है, फैक्ट कंपनी को होता है, ठीक है। तो इन्होंने कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है डिजाइन किया गया 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में जो 1957 में हुई। अब ये जो कोड इन्होंने डिजाइन किया ये इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। और इसमें बोला गया कि दिस कोड इज अ सेल्फ इम्पोज्ड एंड म्यूचुअली एग्रीड, कि इसको आपने अपने ऊपर खुद लागू करना है, और दोनों लेबर और मैनेजमेंट ने की सलामंदी से इस कोड को बनाया गया। तो ब्रीफली देखते हैं इस कोड में पॉइंट्स क्या थे।
सबसे पहले एम्फसाइज अपॉन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज टू रिकॉग्नाइज ईच अदर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, दोनों को एक दूसरे के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को रिकॉग्नाइज करना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को प्रमोट कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म अलाउड ही नहीं है। अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव वे में हो रहा है दैट विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो। मेंटेन डिसिप्लिन इन द इंडस्ट्री, वर्क स्टॉपेजेस और लिटिगेशन को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। करोजन, इंटिमिडेशन, वॉयलेंस ये सब अवॉइड होना चाहिए। फ्री ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस अलाउड होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन, कंसीलिएशन एंड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेगोशिएट कीजिए, कंसीलिएट कीजिए और वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन से ही इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो सके बिना किसी ज्यादा कंफ्लिक्ट के। ओके, ये ब्रीफ है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस करने थे आज के सारे, अब हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंस हैंडलिंग का जो टॉपिक है वो करेंगे, वो भी आपका इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन के पार्ट में ही आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और एक हमारा कोर्स चल रहा है वन कंसेप्ट अ डे, ठीक है, उसमें हम कंसेप्ट कराते हैं आपको, जो भी न्यूज़पेपर में अगर किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें डिटेल में डिस्कस किया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक न्यूज़ एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी वो डेली नहीं भी आता है क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं न्यूज़पेपर में डेली कुछ आए ना आए, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एक बार आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सीरीज़ को, ठीक है, आपको हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।